हेलो के एंजल्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कविता और ये है मेरी इम्परफेक्टली परफेक्ट दुनिया कविस वंडरलैंड। हाँ, इस बार हम थोड़ा देर से मिल रहे हैं लेकिन उसके भी तीन रीज़न हैं। मैंने कोशिश बहुत की थी लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। तो रीज़न पहला ये है कि घर में फर्नीचर का काम चल रहा था तो उस आवाज़ में मैं काम नहीं कर पाती, और क्योंकि मेरे रूम में भी थोड़े बहुत चेंजेस करने थे तो स्पेस भी नहीं थी कि मैं कोई ट्यूटोरियल वीडियो बना सकूँ। रीज़न नंबर टू, वैकेशन चल रहे हैं तो मेरी प्यारी सी नीस आई हुई थी जिसकी मैं थोड़ी बहुत ज़्यादा ही फेवरेट हूँ, तो वो मुझे अकेला छोड़ ही नहीं रही थी। रीज़न ये मेन है तो इसी वजह से भी मैं वीडियो नहीं बना पाई। और रीज़न नंबर थ्री, एक शादी अटेंड करनी थी और उसकी तैयारी में भी हम लगे हुए थे तो इस वजह से भी मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। आने वाला वीडियो भी शायद देर से आएगा क्योंकि मेरे पास अभी आज 18 तारीख हुई है, 18, 19 और 20 ये तीन दिन ही खाली है क्योंकि 20 तारीख से मेरा बहुत ही प्यारा सा निफ्यू आने वाला है क्योंकि वैकेशन है और उसकी मैं तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हूँ, तो वो मुझे अकेला छोड़ता ही नहीं है और उसके सामने मेरे स्टिचिंग के सामान को खोल कर बैठना, रिकॉर्डिंग के सामान को खोल कर बैठना मतलब मुसीबत को बुलावा देना है। ट्राइपॉड देखकर तो वो पागल हो जाता है तो इसीलिए भी नेक्स्ट वीडियो का मैं श्योर नहीं हूँ, लेट ही आएगा, तो प्लीज़ इस बार थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा जैसे इस बार किया है। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं ये वीडियो की जो टाइमिंग है वो मैनेज नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। काफ़ी सारे रीज़न हैं, जब तक वैकेशन चल रहा है मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगी, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊँगी, तो तब तक के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, मैंने सोचा ठीक है स्टिचिंग वीडियो नहीं बना सकती तो कुछ और करने की कोशिश करती हूँ, और इसीलिए मैंने एक शादी के व्लॉग को बनाने की नाकाम कोशिश की थी। एक्चुअली स्टार्टिंग में इतने स्ट्रगल आ गए कि फिर मैंने डीमोटिवेट होकर उससे व्लॉग को बनाना छोड़ दिया। जैसे ही हम यहाँ से शादी अटेंड करने के लिए निकले तो रास्ते में बस ख़राब हो गई, टायर पंचर हो गया। होपफुली दूसरी बस आ गई और उससे चेंज करते वक्त पुरानी बस से हम उतर रहे थे, मेरा सूट फट गया स्क्रू में फंस कर, मतलब वो मेरा फेवरेट सूट था और रिफॉर्मेशन करने के बाद तो वो मेरा सबसे फेवरेट सूट था बट वो अब ख़राब हो चुका है। स्ट्रगल यहीं ख़त्म नहीं होती, हम जैसे तैसे वहीं पहुँचे जहाँ शादी होने वाली थी, मेरी जूती टूट गई और क्योंकि वहाँ काफ़ी सारी भीड़ थी तो थोड़ी सी मैं कॉन्शियस भी हो गई थी क्योंकि पब्लिक में सेल्फी लेने के लिए भी मुझे बहुत शर्म आती है, तो ये व्लॉगिंग करनी थी बट डोंट वरी, एक दिन मैं सक्सेसफुली व्लॉगिंग कर रहूँगी क्योंकि सब कुछ ट्राई करना है अब मुझे, जो मैं चाहती हूँ मुझे अब सब कुछ ट्राई करना है। हाँ, मैं सब कुछ ट्राई करना चाहती हूँ जो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि किसी ने कहा है कि हमेशा एक जैसे रहने में कोई मज़ा नहीं है, तो बस इसीलिए फॉर अ चेंज मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा इन फ्यूचर। एक्चुअली मुझे व्लॉगिंग करना अट्रैक्ट करता है, मुझे करनी भी है वो, बट बिकॉज आई एम लिटिल बिट शाय, यस आपको जानकर ये हैरानी होगी मैं बहुत ही शाय हूँ, जब तक कोई सामने से आकर मेरे साथ बात नहीं करता मुझसे बात हो ही नहीं पाती, मैं बस कोने में खड़ी रहती हूँ और सबको देखती रहती हूँ। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मैं एक दिन सक्सेसफुली व्लॉगिंग कर पाऊँ। डेली व्लॉगिंग नहीं कर सकती क्योंकि इतनी भी एक्साइटेड लाइफ नहीं है मेरी कि मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँ, लेकिन हाँ जिस दिन भी मेरी लाइफ में खुशी आएगी तो मैं उसे मेमोरी के तौर पर आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बात करते हैं आज के वीडियो की, तो जो लास्ट वाला वीडियो था और उससे भी लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें आपने बहुत सारा प्यार दिया है, मतलब उससे पहले ना मैं थोड़ी सी डीमोटिवेट हो गई थी बट आपके प्यार ने मुझे वापस से मोटिवेट कर लिया है, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। बस ऐसा ही अपना प्यार बनाते रहे आपके साथ, वीडियो टाइम पर शेयर कर सकूँ, टाइमिंग की मैं गारंटी नहीं देती क्योंकि सच में वो मैनेज करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, बट हाँ वीडियो आते रहेंगे फॉर श्योर, तो उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। तो जो कुर्ती रिफॉर्मेशन वाला वीडियो था उसमें काफ़ी सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं कौन सा शूइंग मशीन इस्तेमाल करती हूँ और जो एक्सटेंशन टेबल है वो मैंने कहाँ से लिया है,
तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ यही बातें शेयर करने वाली हूँ। मेरा कोई ऐसा खास सेटअप नहीं है, बस मेरा रूम है, उसमें मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो चलिए देखते हैं मेरे स्विंग मशीन को और एक्सटेंशन टेबल को मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ, ये सब चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो और मेरी चैनल को पसंद करें तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको वीडियो को क्विक नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो को टाइम पर देख सकें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो यही है वो मेरा छोटा सा वर्क एरिया जहाँ मैं अपने ड्रीम आउटफिट को क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ। तो मेरे स्विंग मशीन का जो ब्रांड है वो उषा है और उसका पूरा नाम उषा जैनोम वंडर स्टिच है। तो इसमें आपको कुल मिलाकर 14 स्टिचेस मिलेंगे और उसके साथ साथ इसमें बटन मेकिंग मोड भी है जिसमें आप बटन को लगा भी सकते हैं और बटन होल को क्रिएट भी कर सकते हैं। सो उषा जैनोम वंडर स्टिच इज़ अ इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है। तो अगर आपके घर में कभी इलेक्ट्रिसिटी ना हुई तो ये नहीं चलेगा, ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पर ही चलता है। तो यही है वो जो मेरे स्टाइलिश कपड़े पहनने का शौक है उसे पूरा करने में मेरी हेल्प करता है। पता नहीं क्यों बट मैं इसे मिस जैनोम कहकर बुलाती हूँ। तो मिलिए मिस जैनोम को, जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और मेरे सपनों को पूरा करने में मेरी काफ़ी हेल्प करती है। एक्चुअली इससे पहले जब मैंने स्विंग सीखी थी वो भी उषा का ही मशीन था, मतलब वो जो भारी वाला नहीं आता, मतलब बहुत बड़ा और पैरों से इसे ऐसे से चलाते हैं, उसी में मैंने इसे सीखा था। फिर अपग्रेड होकर मैंने इसे लिया। करीब 3-4 साल पहले मैंने इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और करीब मुझे वो 10,000 से 11,000 के बीच पड़ा था। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा लेकिन अगर मुझे वो लिंक मिल गई तो मैं उसे ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी। फॉर बिगनर एंड घर के छोटे मोटे काम करने के लिए ये बेस्ट है, लेकिन अगर आप उससे भी ज़्यादा करना चाहते हैं और इस एज अ प्रोफेशनली कुछ स्टिचिंग में करना चाहते हैं तो इससे अपग्रेड वर्जन खरीदें। बाकी बिगनर के लिए परफेक्ट है। तो ये तो थे मिस जैनोम से रिलेटेड सवाल। अब बारी आती है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल की कि मैंने एक्सटेंशन टेबल कहाँ से ख़रीदा। तो मैंने ख़रीदा नहीं है, बनवाया है। एक्चुअली हमारे जो फैमिली कारपेंटर थे उन्हीं से मैंने ये टेबल बनवाया था। एक्चुअली ऑनलाइन मैंने कुछ फ़ोटोज़ डाउनलोड की थी, फिर उन्हें दिखाया और उन्होंने मुझे बिल्कुल वैसा ही टेबल बना कर दिया। और क्योंकि वो हमारे रिलेटिव्स थे तो उन्होंने पैसे भी नहीं लिए तो फ्री में वो टेबल बन गया तो मैं ये बता भी नहीं सकती कि वो कितने में बना है। तो यही है वो एक्सटेंशन टेबल जिससे मैंने कारपेंटर से बनवाया है। इसमें यूज़ होने वाला जो मटेरियल है वो प्लाईवुड है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा भारी हो जाता है और यही उसका प्लस पॉइंट साबित होता है क्योंकि भारी होने की वजह से वो जगह से ज़्यादा हिलता नहीं है। सो टेबल को स्विंग मशीन के साथ सेट करने से पहले आपको जो स्विंग मशीन का रिमूवेबल पार्ट है उसे रिमूव करना होता है और उसके बाद जब हम पज़ल को सेट करते हैं बिल्कुल वैसे ही टेबल को स्विंग मशीन के साथ सेट कर लेना है, कुछ इस तरीके से। इससे आपको एक फ्लैट सरफेस मिल जाएगा और इसके बाद आपको काम करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो यही है मेरा छोटा सा सेटअप जहाँ मैं ज़्यादातर काम करती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब यहीं मैं काम करती हूँ। और जब काम नहीं होता है तो एक्सटेंशन टेबल को मैं कबर्ड में रख देती हूँ और स्विंग मशीन को मैं यहाँ नीचे रख देती हूँ ताकि काफ़ी सब कुछ ऑर्गेनाइज दिखे। एक्चुअली मैं नहीं करती, ये ऐसे ही पड़ा होता है एक्चुअली मम्मी बहुत बोलती है कि सब कुछ ऑर्गेनाइज रख, लेकिन आलस मैन आलस। तो हाँ, मूड होता है तो सब कुछ ऑर्गेनाइज होता है, नहीं होता है तो ऐसे ही पड़ा रहता है और इसके लिए मुझे काफ़ी सारी डांट भी पड़ती है। ये था आज का वीडियो, क्योंकि राइट नाउ मैं भी बिगनर मोड पर हूँ तो मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको देने की कोशिश की। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सवाल है इसे स्विंग मशीन और एक्सटेंशन टेबल से रिलेटेड तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में जिक्र ज़रूर करिएगा। अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो हाँ, ये था आज का वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।